वहीं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ जहर उगलने वाले महंत बजरंग मुनि ने देश की मुस्लिम महिलाओं को खुलेआम अपहरण कर रेप करने की धमकी दे डाली है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया में महंत बजरंग मुनि की गिरफ्तारी की लोग मांग कर रहे हैं और पुलिस ने महंत के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। लेकिन FIR दर्ज होने के बाद महंत की अकल ठिकाने आ गई है और अब वो महिलाओं से माफ़ी मांग रहा है हाथ जोड़कर। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर का है। वायरल वीडियो में महंत बजरंग मुनि कह रहे हैं कि अगर खैराबाद में एक भी हिंदू लड़की को छेड़ा गया तो मैं आपकी बहन बेटी बहू को आपके घर से बाहर निकाल कर लाऊंगा और बलात्कार करूंगा। जिसके बाद महंत के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज होने लगी। सुनते हैं कि पहले महंत ने नववर्ष के मौके पर जब एक मस्जिद के पास से इनका जुलूस गुजर रहा था तो वहां रुककर महंत ने किस तरह से अपनी जहरीली जुबान से क्या शब्द निकाले हैं सुनिए। मैं बहुत बुरा ठाकुर को सुना दे रहा हूं, अगर इस कारण से कोई एक हिंदू लड़की अंदर छेड़ी तो मैं खुले राम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहु बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। हालांकि महंत बजरंग मुनि अब देश की महिलाओं से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। अब जरा ये भी देख लीजिए कि किस तरह से ये जहर उगलने वाला व्यक्ति कैसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। सभी माताओं बहनों से मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ, मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है अगर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। सभी माताएं बहनें मेरे लिए पूज्य हैं। मैं संपूर्ण नारी जाति का सम्मान करता हूं। तो देखा आपने कि किस तरह से इस महंत ने माफी मांगी है। लेकिन वहीं ये भी बात सामने आई है कि सीतापुर की पुलिस ने बताया है कि इस पूरे मामले में खैराबाद थाने में इनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है और प्राप्त साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।